की ट्रेनिंग चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ लोहागढ़ फार्म, और इस वीडियो में मैं लोहागढ़ फार्म से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ का टिकट प्राइस क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा रहेगा, अंदर आप क्या खा पी सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में कवर रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं लोहागढ़ के लोकेशन के बारे में। तो गाइज इसका जो लोकेशन रहेगा वो नियर सोहना रोड विलेज गैराजपुर बादशाहपुर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ेगा। यहाँ से सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56 का होगा। यहाँ आने का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप अपने खुद के व्हीकल से आए या फिर टैक्सी बुक करके आए। मेन गेट से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप यहाँ पे पार्किंग एरिया देख सकते हैं, और पार्किंग टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए फ्री रहेगा। और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। गाइस ये रहेगा टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर के साथ में ही सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या खा पी सकते हैं। बाकी यहाँ पे टिकट आप देख सकते हैं 3 to 4 feet का 700 रहेगा, 4 feet अबव का रहेगा 1250 rupees। 3 feet तक के बच्चों का टिकट फ्री है, 3 से 4 feet तक के बच्चों का टिकट यहाँ पे 700 का लग रहा है, और 4 feet से ऊपर के लोगों का 1250 रुपये लग रहा है। और बाकी यहाँ पे क्या खा पी सकते हैं वो आप वीडियो को रोककर आराम से देख सकते हैं, और ये एक्टिविटी रहेगा रूरल एक्टिविटीज़ में, ये रहेंगे इतने सारे एक्टिविटी, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ये सारे एक्टिविटीज़ रहेंगे, एडवेंचर में आप ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और स्पेशल अट्रैक्शन में ये सारे आप चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टीका लगा के आपका स्वागत किया जाए। स्वागतम। चलिए आप, ये कुछ एंट्रेंस होगा, बाकी पूरा वेलेज लुक है इसका, जैसे गांव में नहीं होता। देखो ये मशीन है और देसी फील बिल्कुल। ये चार पाई होगा, ये आप यहाँ पे ये हुक्का भी बनाया हुआ है, पता नहीं पी भी सकते हो या नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है एक फील देने के लिए। और अब हम आ गए हैं अंदर। बाकी ये कुछ सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। कई सारे स्कूटर्स, ये ATV सारे बाइक्स लगे हैं, तो यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। ये बड़ा सा एक चारपाई होगा, तो ये भी होगा बुलेट के साथ, दो लोग बैठ के फोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हैं। जय और वीरू, छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाकी हाउस पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे काफी कुछ बताया हुआ है, बाकी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। अब चलते हैं अंदर, ये बैंड बांधने के बाद उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी किधर है इस तरह से जगह जगह पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे पनघट बनाया हुआ है, पनघट देखते हैं सबसे पहले। उठा उठा उठा। पहले हम लोगों ने नींबू सिकंजी पिया है। तो गाइस अंदर जगह जगह पे इस तरह से सेल्फी पॉइंट्स बनाया हुआ है, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई लव लोहागढ़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। लोगों का सबसे पसंदीदा होता है DJ हॉल, और यहाँ पे DJ हॉल आप देख सकते हैं, काफी बड़ा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे ना जगह जगह पे कई सारे फोटो शूट करने के लिए पॉइंट्स बनाया गया है। ये गाड़ी के साथ आप ले सकते हैं फोटो, ये ऑटो बनाया हुआ है, एक काफ़ी पुराना ऑटो है, आप देख सकते हैं किस तरह का है, अलग एक अंग्रेजों के टाइम का लग रहा है। और आगे थोड़ा आगे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऊंट गाड़ी लग रहा है, ये भी काफ़ी पुराना है, और इधर एक ट्रैक्टर है। तो ये यहाँ पर भी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं।
बाकी सामने है कैमल राइड, तो थोड़ी देर में चलेंगे, कैमल राइड भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। जय किसान। तो गाइस इस तरह से हट्स भी बनाया हुआ है, ये यहाँ पे अब चार पिए बगल यहाँ पे चारपाई वगैरह लगाया हुआ होगा, आप यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक पोल्ट्री बनाया हुआ अंदर, तो चलते हैं आपको पहले पोल्ट्री दिखाते हैं। तो इसके अंदर भी कई सारे चारपाई लगे हैं, एक हट्स है और पोल्ट्री मेकिंग, ये पोल्ट्री मेकिंग चल रहा है। और यहाँ पर तो कई काफ़ी बड़ा है, बोला तो प्लेट था, दिया बना दिया। अरे प्लेट बन नहीं था, मैंने सोचा दिया बना दिया। अरे ये नहीं हो रहा मेरे, ये बन गया दिया। अच्छा बन गया, बढ़िया दिया बन गया। दीपिका ने दिया बनाया। तो किसी को बनवाना है तो मेरे से कांटेक्ट करें और इंस्टा पे फॉलो करें। ये कब बना दिया? तो गैस यहाँ पे ना कई सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पोल्ट्री, तीन चार जगह, एक ये है बीच में और एक सामने है। तो अगर कई सारे लोग आते हैं तो अलग अलग जगह पे बैठ के ना बना सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसका। तो अब हम जा रहे हैं आराम बाग, आराम फरमाने। आ गए हैं झूला सेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वर्ष से बड़े बच्चों का झूले में झूलना सख्त मना है। काफी बड़ा एरिया है, देखिए कई सारे स्लाइड्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये टनल स्लाइड हो गया, ये नॉर्मल वाला स्लाइड हो गया, मतलब कई सारी एक्टिविटी बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। कि आप यहाँ पे बुल राइड कर सकते हैं, और बुल राइड का अलग से आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। आगे आगे और आ गया, पैर आगे ला, आगे पैर आगे ला, नहीं छोड़ना है, मेरे बहने को यार एक मिनट, आगे हो आगे 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 और आगे, बस पैर आगे रखो, ऐसे चढ़ चढ़ दोबारा। तो गाइस इस तरह से जगह जगह पे हट्स भी बनाया हुआ है आराम करने के लिए, देखो कई सारे लोग सो रहे हैं। हम लोग आ गए हैं इंडोर गेम वाले जोन में, अभी यहाँ पे चल रहा है इंडोर गेम, और आप लोगों को दिखाते हैं इंडोर जोन गेम, इंडोर गेम में आप कौन कौन सा गेम खेल सकते हैं। ये चेस खेल सकते हैं आप यहाँ पे, लूडो चल रहा है, ये कैरम बोर्ड भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। ओ गाइस यहाँ पे जोर बाग एक अलग से एरिया बनाया हुआ है, और ये बैलून रेस है, स्पून रेस है, ट्यूब वॉल बात, कई सारी एक्टिविटी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं एक एक करके, ये काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, पता नहीं क्या है, देखते हैं कोई जादू वादू चल रही है। ओ जादू चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ये वाला हाथ खाली,
कोई ने की है सर, वो धोखा लग गया। और देखना सर, धोखा ऐसे लग गया, बोल दिया छोले में हाथ डाल दिया, वो धोखा लग गया। छोले में हाथ नहीं डालेंगे सर, बाहर से दो बनाएंगे, दो हो जाना। दो तो पहले ही है। नहीं अभी एक ही है मैडम, बिल्कुल एक ही। किच करो सर, किच करके देखो सर, कोई सिंगल है या डबल, बिल्कुल सिंगल है। कोइन को तीन बार छड़ी से कोइन को ठोकेंगे, 1 2 3 मंडी लगाएंगे और खींच के दो बनाएंगे। तालियां होनी चाहिए। अच्छा चलो आ दोनों की रेस हो रही है, देखते कौन जीतता है। 3 2 1 वो 3 2 1 ए लड़की, क्या हो गया भाई? अरे लड़की जीत गई। तुम भी आओ ना यार, तुम भी आओ। 3 2 1 गो। चलो 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 चलो। अरे 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 वो निकल गया, गोरी निकल गया, डिस्क्वालीफाई हुआ है ये, डिस्क्वालीफाई। तो गाइस यहां पे आप मटकी फोड़ वाला एक्टिविटी भी कर सकते हैं। सर से आज मटकी फोड़ने वाली हूं और मेरी तो मटकी छोटी पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया। और लेफ्ट 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 लेफ्ट, ऐसे बताना नहीं है यार, लव बजा दिया। क्या करते हो तुम यार? गाइस लोहागढ़ फार्म काफी ज्यादा बड़ा है और काफी सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। इतने सारे एक्टिविटीज है कि आप थक जाओगे करते करते। ये पूरा एक्टिविटीज एरिया रहेगा और मतलब काफ़ी टाइम से मैं घूम रहा हूँ बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दिखाते हैं यहाँ पे रस्सी ठग ऑफ वार वाला एक्टिविटी चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। एक तरफ ज़्यादा लड़कियाँ, एक तरफ 3 लड़के हैं। ये तो जीतने वाले लग रहा है। इधर 4 लड़के। अरे अचानक छोड़ दिया, गिर गए। देखो ये लोग। गाइस ये है ट्रम्पलिन वाला एरिया और बच्चे यहाँ पे देखिए ट्रम्पलिन के अंदर कूदा फांदी कर रहे हैं। कूदो कूदो कूदो। ये बेबी गई है। तो बच्चों के लिए ना कई सारे ट्रम्पलिन यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। 1 2 3 ट्रम्पलिन यहाँ पे लगे हैं, तो बच्चे यहाँ पे ट्रम्पलिन के अंदर जाके कूदा फांदी भी कर सकते हैं। ये पतंग बाजी वाला एरिया है यहाँ पे। ये पतंग उड़ रहा है सामने, देख सकते हैं ये लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। फंस गया क्या? ये फंस गया, फिर उठ गया। तो यहाँ पे पतंग भी उड़ा सकते हैं, देखिए कई सारे लोग यहाँ पे पतंग भी उड़ा रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं। वो फंस गया, कई सारे पतंग फंसे हुए हैं ऊपर। यहाँ पे एक एरिया बनाया हुआ है कुश्ती अखाड़ा, तो ये वाला रहेगा एरिया कुश्ती अखाड़ा के लिए। अभी कोई है नहीं, अगर कोई कुश्ती अखाड़ा में आता है तो फिर दिखाते हैं आपको। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ मूड बाथ ट्यूब बेल बाथ की तरफ। यहाँ पे ट्यूब बेल बाथ, मूड बाथ, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेनडांस एरिया भी बनाया हुआ है, ये रेनडांस एरिया रहेगा। बाकी कोई रेनडांस में डांस कर नहीं रहा है। ट्यूबवेल बाद में ये बच्चे नहा रहे हैं, 2-3 बच्चे नहा रहे हैं। ये मठवाद बनाया हुआ है, अभी तो है नहीं, इसमें कीचड़ वीचड़। कपड़े बदलने के लिए इस तरह से छोटे छोटे बनाए हुए हैं चेंजिंग रूम्स। ये देखो रस्सी के ऊपर करतब दिखाता हुआ, ये रस्सी के ऊपर करतब कर रहे हैं देखो।
ये पहुंच गए। तो अब हम लोग आ गए हैं एडवेंचर जोन और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। ये देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, हेलीकॉप्टर के साथ आप फोटो ले सकते हैं। भाभी ये बच्चे लेज़र बीम वाला एक्टिविटी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे टायर क्लाइंबिंग एक कोर्स बनाया हुआ है, इधर टायर से क्लाइंब करते हुए रोप के ऊपर पहुँचना होता है और फिर लोप इधर से रोप के ऊपर से नीचे उतरना होता है। और एक एक्टिविटी है ये देख सकते हैं, कोर्स है पूरा, इधर टायर के नीचे से आते हुए इस तरह से एक ब्रिज होगा, देखो बच्चे कूदते हुए इधर नीचे उतर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वाला एक्टिविटी है, बेल्ट लगा हुआ है, सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है, ये वाला एक्टिविटी आप कर सकते हैं, इसमें बेल्ट भी सेफ्टी बेल्ट भी होगा, बैलेंस रोप, ये वाला एक्टिविटी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें बैलेंस बना के इस साइड से इस साइड जाना होता है। फिर भी होगा एक बैलेंस वाला एक्टिविटी, बैलेंस रोप एक्टिविटी। तो यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग एरिया बनाया हुआ है, ये बच्चा देखो कहाँ चढ़ गया, ये तो बड़ा है, बड़ा बच्चा है। रोप क्लाइंबिंग, टायर क्लाइंबिंग, ये कई सारे एक्टिविटी होंगे इधर छोटे छोटे। ये इधर एक एक्टिविटी है बैलेंस ब्रिज, ये और एक एक्टिविटी होगा। तो कई सारे एक्टिविटी बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। अरे ये तो पहुंच गई, बहुत जल्दी पहुंच गई ऊपर, लोट पोट होते हुए इधर जा रही है। दीपिका रह गई है, दीपिका पीछे रह गई है। वो तो पीछे ही रह गई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस आज मैंने दीपक को हरा दिया और मैं भी ना बन चुकी हूँ, ये है यार वो देखो, वो अटकी हुई है। वो डरी हुई है, अटकी नहीं है, डरी हुई है। इतने छोटे छोटे बच्चे देखो एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके अंदर एक हॉन्टेड हाउस भी होगा। तो चलते हैं अभी आपको हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं हॉन्टेड हाउस और चलते हैं अंदर और आप लोगों को हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं। आ रहे हैं हॉन्टेड हाउस, चलो 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 चलो, अंधेरा है क्या पूरा, साइड पे आएगा कहीं से। कैसे कैसे भूत बनाए हो, कटे हुए हाथ पैर, डाल डाल
अब डराओ ना। ये देखो ये इतना अंधेरा हो गया, बुडी वेव और हॉप स्कॉच ये सारी चीजें आप अंदर देख पाएंगे, पाइन्स और डक्स। तो गाइज आप यहाँ पे निशानेबाजी कर सकते हैं, एयर गन, डार्ट, गुलेल, आर्चरी, सारे गेम्स आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये आर्चरी, सबसे पहले आर्चरी दिखाते हैं आपको। ये चिपका, ये देखो बच्चा मार रहा है बॉल और ये बच्चा ये डाल दिया, ये डाल दिया। तो गाइज आप यहाँ पे डार्ट वाला गेम भी ट्राई कर सकते हैं और काफी बड़ा एरिया है और सामने गुलेल भी चल रहा है, ये गुलेल वाला भी ट्राई कर सकते हैं। चलो मारो मारो, ओए क्या बात है, क्या निशाना है भाई, चिपक तो गया ऊपर जाके, ये निशाना। तो ये है गुलेल, तो गुलेल वाला गेम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप। मिस हो गया, मारो लग गया, बहुत बढ़िया, बच गया। पशु पक्षी पालन, रैबिट्स, पिजन्स, गोट्स, शिप, हैंस, काउस, काफ़ी कुछ है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये क्या कर रही है, सारे कबूतर है देख सकते हैं, ये कबूतर ही कबूतर है। ये कितना पास आ गया, डर नहीं लग रहा इसको। हेलो, मुर्गिया, बड़े बड़े मुर्गिया है, बहुत सारे मुर्गी के बच्चे हैं, ची 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 कर रहे हैं सब, वाक 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 वाक, बहुत सारे बच्चे हैं। वो ऊपर देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कितने सारे खरगोश है, क्या पत्ते वत्ते कुछ देते हैं इनको, खाओ 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 खाओ। तो गाइस अब जा रहे हैं जिमन बार और ये डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पे लंच वगैरह करने के लिए ये पूरा एरिया रहेगा, काफ़ी बड़ा एरिया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या खा पी सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सलाद होगा, ये क्या है, चावल है, ये दाल है, ये क्या होगा, ये राजमा और ये मिक्स, ये राजमा और ये मिक्स सब्जी है, ये पनीर है, ये पनीर की सब्जी होगी, ये क्या होगा दोस्त, हाँ मटर, मटर की सब्जी है, अच्छा ये मशरूम की सब्जी है, ये क्या है, कड़ी पकौड़ी, ये है रोटी, कौन सी रोटी, तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी, ये क्या है, रायता, बाकी ये रसगुल्ला होगा, ये सामने है चाउमीन। तो अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग लंच, बस फूड काफ़ी अच्छा था यहाँ का और फूड खत्म हो गया, अभी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे गोलगप्पे के लिए बच्चों की कितनी लंबी लाइन लग रही है। हाँ भाई,
तो गाइस आप यहाँ पे जलेबी, रबड़ी, गरम गरम दूध भी पी सकते हैं। ये जलेबी रबड़ी रसगुल्ले भी खा सकते हैं, गरम दूध, और यहाँ पे है चाय पकोड़ा। तो चाय पकोड़ा भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। बाकी इधर सेटिंग बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सेटिंग बनाया हुआ है। करने जा रहे हैं यहाँ का जलेबी और रबड़ी, पूरा तोड़ लो। कैसा है? अच्छा है, एकदम बढ़िया। तो गाइस इस तरह से बनाया हुआ है ये, ऊपर जाके उसके बाद आप ऊँट के ऊपर चढ़ के ये लंबा सा एक चक्कर आप लगा सकते हैं। यहाँ ही आप कैमरा राइडिंग के लिए तो इनका चक्कर कंप्लीट हो गया। आ रहे हैं ये लोग, ये क्या है, तब का कैमल राइड स्टार्ट हो गया, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, सब बच्चों बता कैसे लड़का है।